नीचे मैंने एक बड़ा सा बर्तन लिया है, अंदर एक छन्नी डाल दिया है। तो एक बड़ा चम्मच मैं गेहूं का आटा ले रही हूँ, एक चम्मच मक्के का आटा, उसी के नाप से ज्वार का आटा और उसी के नाप से एक चम्मच बेसन ले रही हूँ। छान लेते हैं, स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं, कटा हुआ प्याज डालेंगे, खूब सारी हरी धनिया डालते हैं, पानी डालते हैं और आटे की तरह गूंथने की कोशिश करते हैं। आटे जिस तरह हम गूंथते हैं उससे थोड़ा सा नरम। तीखे के लिए लाल मिर्च का पाउडर डालूंगी और रंग देने के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर। जिस पर हम रोटी बनाते हैं तो वो मैंने चौका ले लिया है, उसके ऊपर एक कपड़ा बिछाया है गीला करके और यहाँ पर मैं खूब सारा पानी डाल रही हूँ इस तरह से। उस बैटर को हम इसमें रख देंगे और उसे अपने हाथ से थपथपाएंगे, थोड़ा सा पानी लगाएंगे और इस तरह से जितना मोटा पतला आपको बनाना है, तो मैं छोटा छोटा ही बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें प्याज डाले हुए हैं। इसमें इस तरह से उंगलियाँ को करते हुए छेद बना देंगे। कपड़े के नीचे हाथ डालकर इसे हम गरम तवे पे तेल लगा देंगे और इस तरह से रख देंगे और कपड़े को हम धीरे से निकाल लेंगे। तेल लगा देंगे, अच्छी तरह से सिक जाए। दूसरी तरफ पलट देते हैं, ये देखिए एक हाथ से काम नहीं होता है, यहाँ पर मैंने दूसरा भी बना लिया है तो इन्हें भी हम अच्छा क्रिस्पी उलट पलट कर सेक लेते हैं। गर्मा गर्म थाली पेट तैयार है। इसे मैंने टमाटर की चटनी के साथ में सर्व किया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, बहुत ही हेल्दी है।